अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद MG MT 622 मैनेजमेंट स्किल, आज का लेसन है आप लोगों का लेसन नंबर वन। इंट्रोडक्शन है पहला टॉपिक आप लोगों का। दिस कोर्स कैन असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल इंडिविजुअल्स पोजेस। मतलब आपको ये कोर्स जो है वो मदद करेगा अपने सलाहियतों को, इनफरादी सलाहियतों पर काबिज होने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड जॉब पोजिशन। आप लोगों ने बगैर किसी बेफिक्री के, मतलब आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आपका काम क्या है या आपकी मुलाजमत क्या है। आपने बस अपनी सलाहियतों पर फोकस करना है। इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश एवरी सॉर्ट ऑफ टास्क एंड असाइनमेंट, आप अपना काम या असाइनमेंट जो पूरा करना चाहते हैं, वन शुड बी वेल अवेयर ऑफ स्किल टू मैनेज। जिस इंसान ने अपना टास्क और असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना है, वो उसको चाहिए कि वो अपनी सलाहियतों से आगाह हो और अपनी सलाहियतों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। सिग्निफिकेंस ऑफ द कोर्स क्या है? विद द पैसेज ऑफ टाइम मैनी थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। जैसे कि हमारे अपने गोल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। हम लोग छोटे थे तो हमें कोई फिक्र नहीं थी, अब बड़े होने के बाद गोल्स, हमारे एम्स जो हैं, हमारा मकसद जो है वो चेंज हो गया है। कुछ बनना है, कुछ करना है। स्ट्रेटजीज टूवर्ड्स गोल, ऑपरेशंस हमारे चेंज हो गए हैं। लर्निंग मेथोडोलॉजीज चेंज हो गई हैं। पहले हम लोग स्कूल बाकायदा जाते थे, जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो ट्यूशन पे जाके याद कर लेते थे, मेमोराइज कर लेते थे, टेस्ट देते थे। अब लर्निंग मेथोडोलॉजी जो है वो चेंज हो गई है, खुद पढ़ना पड़ता है, खुद समझदार हैं। मैनेजिंग मेथड्स एक्सेट्रा, ये आपके MCQs में आ सकते हैं। इन ऑर्डर टू परसुएट सम एजेंडा एंड पर्पस, अगर हम लोग अपने एजेंडा या पर्पस, जो हमारा मकसद है, उसको उसका ताकुब करना चाहते हैं, उसका पीछा करना चाहते हैं, उसमें कामयाब होना चाहते हैं, तो वन हैज़ टू बी कैपेबल ऑफ परसुएट अदर्स। वो उस तो उसको क्या करना चाहिए कि वो इतनी सलाहियत रखता हो, इतना कैपेबल हो कि दूसरों को अपनी तरफ माइल कर सकें, एंड बी इक्विप्ड विद द पावर ऑफ नेगोटिएट। और दूसरी बात जो है उसको गुफ्त शनीद करना आते हो, मतलब अपनी बात जो है वो रखनी भी आनी चाहिए दूसरों के सामने, और उस पर डटना भी आना चाहिए। मतलब अगर कोई बात है तो बहस व मुबाहिसा करके अपनी बात को अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। इतना हमें स्किल्स, अपने सलाहियत अपने अंदर मौजूद रखनी चाहिए या होनी चाहिए अपने अंदर सलाहियत, कि हम लोग अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें और उनको अच्छे तरीके से अपनी बात पर गौर और फिक्र करने पर मजबूर कर दें। मैनेजमेंट स्किल्स आर नॉट जस्ट रिक्वायर्ड एट ऑफिशियल लेवल। अब ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो सिर्फ ऑफिशियल लेवल तक उसकी ज़रूरत नहीं होती, रादर दे आर एसेंशियल एट एवरी लाइफ ऑफ योर लाइफ स्पैन। हमें हर लाइफ में, हमें अपने जो भी काम करना है उसमें मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो अपनी लाइफ का हमारे कोई भी काम हो। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें भी मैनेजमेंट होनी चाहिए, साथ साथ थोड़ा थोड़ा याद करना चाहिए। अगर हम लोग कोई और मैनेजमेंट काम, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें चीज़ों पे बढ़तरी हासिल होनी चाहिए और चीज़ों को अच्छे तरीके से करने का तजर्बा होना चाहिए या उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। द इम्पोर्टेंस इज एनहांस्ड इवन डीलिंग विद द अदर बाय एडिंग वैल्यू टू द रिलेशनशिप। और ये जो इम्पोर्टेंस है ये ज़्यादा जो है कदर तब बढ़ाती है, हमारी सलाहियतों की कदर तब बढ़ाती है जब हम लोग दूसरों के साथ बातचीत करते हैं और उनके साथ अपना रिलेशनशिप मजबूत करते हैं। अब वो रिलेशनशिप कैसे बनता है? जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, हमारा अपना ताल्लुक कायम होता है। हम जब बात जो बात कर रहे हैं वो दूसरों तक पहुँचे और उसको अच्छे तरीके से अपनी बात समझाई जाए, तो ये रिलेशन होता है, ताल्लुक होता है जो हम लोग कायम करते हैं। सक्सेस कैन नॉट बी एनश्योर्ड। सक्सेस जो है, कामयाबी है, वो सिर्फ इस लिहाज से हम लोग कह नहीं सकते कि हमें सक्सेस मिल जाएगी, हमारा IQ लेवल बहुत अच्छा होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो IQ लेवल होने के बावजूद जो है सक्सेसफुल लाइफ नहीं गुजारते या कामयाबी हासिल नहीं करते। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज एट राइट टाइम विल एनहांस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हमारी जितनी मैनेजमेंट प्रॉपर होगी, अच्छी होगी और राइट टाइम पे होगी, हमारी जो सक्सेस है, कामयाबी की प्रोबेबिलिटी है, वो
ज़्यादा हो जाएगी बनिस्बत हमारे IQ लेवल से। इन एडिशन टू दिस, टाइमली मॉडिफिकेशन इन रिस्पॉन्स टू द डायनेमिक एनवायरनमेंट आर वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ वंस सक्सेस। और इसके साथ साथ हम लोग टाइमली जो मॉडिफिकेशन कहते हैं, जो चीज़ों को मॉडिफाई करने की तैयारी में लग जाते हैं या उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी हमारी सक्सेस, हमारी कामयाबी के लिए बहुत मेजर फैक्टर हैं। और यही क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ फॉर गेटिंग सक्सेस। दो मेजर फैक्टर्स हैं, एक तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए और टाइमली मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेगा ट्रेंड्स, यह आपका क्विज है। एनवायरनमेंट इज एक्सटेंसिवली डायनेमिक, न्यू सिस्टम रैपिडली रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वंस। हम लोगों का जो पुराना सिस्टम है, जो पुरानी चीज़ें, वो रिप्लेस होती जा रही हैं नई इक्विपमेंट से, नई साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से, सारी चीज़ें न्यू आती जा रही हैं जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट एरा में जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू कोप अप विद सच अपकमिंग चेंजेस, अगर तो हम लोग इन चेंजेस से, जो चेंजेस आ रही हैं, ऐसा ऐसा आ रही हैं, उनसे जीतना चाहते हैं और चेंजेस से जीतना चाहते हैं, वन हैज़ टू बी वेल इक्विप्ड विद द अपडेट स्किल्स। तो हमें क्या करना है कि वो जो अपडेट स्किल्स हुई हैं, जो सलाहियतें हो रही हैं, जो काम हो रहे हैं, उनसे वेल इक्विप्ड होते रहें। जो जो चीज़ जैसे जैसे एनहांस होती जा रही है, जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, हम लोग अपना IQ लेवल, हम लोग अपनी जो सलाहियतें उसको भी चेंज करते रहें। मेगा ट्रेंड जो हैं, उनके 3 मेगा ट्रेंड्स हैं। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हैं, नंबर 2 है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और 3rd है ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज क्या हैं? मेजर एनवायरमेंटल ब्रेक थ्रूज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो एनवायरमेंट ब्रेक थ्रूज हैं, रुकावटें जो पैदा हो रही हैं, वो भी ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी में चेंज होती आ रही हैं, और हमारा जो वर्ल्ड है वो ऐसा ऐसा चेंज होता जा रहा है। अगर हम लोग पुराने प्रोसीजर से जुड़े रहेंगे और सिस्टम से जुड़े रहेंगे, जो चीज़ें हम लोग पहले करते थे, पुराने पिछले ज़माने में कह सकते हैं, और उन सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। जो एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनसे हम लोग वेल नोन नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो हम लोगों को वो काम करने में मुश्किल हो सकती है और होती भी है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज लाइक ईजिली एक्सेसिबल डेटाबेस, वेब पोर्टल्स, इंटरनेट अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम एक्सेसिबल टू everyone despite of geographical boundaries। हम लोगों के जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, उनमें चीज़ें जो हैं वो एक्सेसिबल डेटाबेस भी है, पोर्टल्स भी हैं, इंटरनेट भी सारी चीज़ें हैं, तो इनको जितने तरीके अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उतना ही हम लोग जो है काम को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं और उस काम को अच्छे तरीके से एंड पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विच हैव मेड द होल वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, इस सारे कॉन्सेप्ट ने हमारे जो वर्ल्ड है उसको ग्लोबल विलेज करार दिया हुआ है। एक्सेसिव कंपटीशन हैज़ इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, और हमारा जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गया, फैलता जा रहा है इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ये क्विज हो सकता है आपका, ओनली अ क्रिएटिव थिंकिंग, सिर्फ एक जो है आपकी क्रिएटिविटी है जो आपको दूसरों से अलग कर सकता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कैन अपील द मैसेस एंड लीड टुवर्ड्स द सर्वाइवल। और आपको यही क्रिएटिविटी जो है दूसरों से अलग करते हुए आपको सर्वाइव करने के लिए मदद करेगा, और आपकी जो इंफॉर्मेशन जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, उसी तरह हमें भी अपने जो मेंटेलिटी लेवल है, अपना जो काम करने का तरीका है, उसको चेंज करना है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपनी लाइफ गुजारनी है। नेक्स्ट है आपका ये क्विज होगा, आइडियाज़ एंड इनोवेशंस गेट एक्सपायर्ड क्विकली। जो इनोवेशंस हैं और जो आइडिया हैं वो सारे जो हैं एक्सपायर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी। ज़ाहिर बात है लोग जो हैं वो काम करते करते चेंजेस लेके आते हैं, इनोवेशंस लेके आते हैं, तो वो चेंज होती रहती हैं।
Therefore, this creative thinking is an ongoing process in this competitive world. ये भी आपका क्विज हो सकता है कि क्रिएटिव थिंकिंग जो आपकी सोच है, क्रिएटिविटी है आपकी सोच में, वो चलता रहेगा प्रोसेस, और आपको ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जिसमें हर इंसान जो है कंपटीशन में लगा हुआ है, एक इंसान दूसरे इंसान से आगे निकलने में लगा हुआ है. इन ऑर्डर टू फेस दीज चैलेंजेस इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू बी इक्विप्ड विद द एप्रोप्रिएट स्किल्स. तो हम लोग अगर इन चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए कि वो इक्विप्ड हो इन सलाहियतों से जो आजकल सारी टेक्नोलॉजीज बेस हैं. स्किल्स टू एकोमोडेट विद द अपकमिंग चेंजेस, ये आपका MCQs हैं. मैनेज द लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम लोगों ने लोगों से कैसे बात करनी है और जो चेंजेस आ रही हैं उनसे कैसे निपटना है. और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन और डेटा जो सारी ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सारी चेंज होती जा रही हैं, इनको हम लोगों को मैनेज करना आना चाहिए. मीट द ग्लोबल चेंजेस, हम लोगों को जो ग्लोबलाइजेशन में चेंजेस हो रही हैं उनको पहचानना है, उनसे गो थ्रू होना है. एंड इंश्योर द सर्वाइवल थ्रू कंटिन्यूस इनोवेशन, और हम लोगों को ये भी बताना चाहिए कि जो जो चीज़ें इनोवेट हो रही हैं उनके साथ हम लोगों ने कैसे सर्वाइव करना है अपनी लाइफ में. द एक्विजिशन ऑफ द स्किल्स कैन बिकम इफेक्टिव ओनली इफ दे आर मैनेज इन अ प्रॉपर मैनर, और हम लोग इन स्किल्स से तभी कुछ हासिल कर सकते हैं जब हम लोग इनको एक प्रॉपर मैनर से मैनेज करेंगे और इनको एक अफेक्टिव वे में लेके जाएंगे. दिस कोर्स विल असिस्ट स्टूडेंट्स इन एनहांसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्किल सेट थ्रू प्रॉपर एंड टाइमली मैनेजमेंट. वही बात आपका क्विज है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपने आप को एनहांस कर सकते हैं अपने स्किल्स को, सलाहियतों को. मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए और उनका टाइम प्रॉपर मैनेज होना चाहिए सो दैट द स्किल्स कैन बी यूटिलाइज्ड ऑप्टिमली. और ये भी आपका क्विज हो सकता है कि किसके थ्रू आपका जो है सलाहियत वो यूटिलाइज हो सकती है ऑप्टिमली. तो वो दोनों चीज़ें हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट और टाइम प्रॉपर आपको मैनेज होना चाहिए. थैंक यू. उम्मीद है लेक्चर समझ आ गया होगा. अगर लेक्चर समझ आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.